अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य ज्यों ज्यों प्रगति कर रहा है, त्यों त्यों प्रभु भक्तों में आनंद की अनुभूति हिलोरे ले रही हैं। गर्भगृह का कार्य अब पूरा होने की ओर है, दीवारें खड़ी हो चुकी हैं, स्तंभों के संयोजन का काम भी लगभग पूरा है और अब छत डालने की तैयारी हो रही है। रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में विराजमान करने की रूपरेखा भी तैयार हो चुकी है। अगले वर्ष जनवरी माह में ये पुनीत कार्य किया जाएगा। इससे 3 महीने पहले ही गर्भगृह का कार्य पूरा होने की बात कही जा रही है। इस सब के बीच राम भक्त मंदिर निर्माण के एक एक क्षण का साक्षी बनना चाहता है, निर्माण की एक एक तस्वीरें देखने की चाह रखता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी राम भक्तों की इस इच्छा को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। ट्रस्ट द्वारा समय समय पर राम मंदिर निर्माण की प्रगति से जुड़े चित्र साझा किए जाते हैं। अब ट्रस्ट ने कई नए चित्र साझा कर मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी दी है। आइए आपको दिखाते हैं ये नए चित्र और आपको बताते हैं उनका महत्व। ट्रस्ट ने दिसंबर 2023 तक राम मंदिर के प्रथम तल यानी गर्भगृह के निर्माण का कार्य पूरा करने की समय सीमा तय की है, परंतु निर्माण की जो गति है उसके अनुसार ये कार्य इस समय सीमा से पहले पूरा होने की उम्मीद है। जल्द ही गर्भगृह की बीम डालने का काम शुरू हो जाएगा। राम मंदिर की छत के करीब 200 बीम की नक्काशी का ये काम हो चुका है। बीम की तराशी राम सेवकपुरम और रामघाट स्थित कार्यशाला में हो रही है। जो पत्थर तराशे जा चुके हैं उन्हें राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचाया जा रहा है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय है। मंदिर में बंसी पहाड़पुर के पत्थरों का उपयोग हो रहा है। इन पत्थरों पर अद्भुत नक्काशी की गई है, जबकि गर्भगृह के अंदर संगमरमर के पत्थरों का भी प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान में गर्भगृह लगभग आकार ले चुका है। रामलला के दर्शन यानी गर्भगृह तक पहुंचने के लिए 32 सीढ़ियां बननी हैं, इनमें से 24 बन चुकी हैं। ट्रस्ट ने चित्रों के जरिए मंदिर की वर्तमान स्थिति को दर्शाया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इन चित्रों को जारी किया है। ये चित्र मंदिर के भूतल और उस पर बन रहे गर्भगृह के हैं। पहली बार इनमें दिख रहा है कि मंदिर के गर्भगृह में सभी स्तंभ खड़े किए जा चुके हैं। गर्भगृह के एक हिस्से में चौखट और 20 फीट ऊंची दीवारें आकार लेती दिख रही हैं। ये मकराना के सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनाई जा रही हैं। इनके अलावा तस्वीरों में सिंह द्वार, गर्भगृह की दीवारें और स्तंभों का निर्माण भी नजर आ रहा है। आइए अब आपको एक एक कर ये सभी चित्र दिखाते हैं और बताते हैं कि चित्र कहाँ का है और उससे क्या पता चल रहा है। ये चित्र राम मंदिर के गर्भगृह के मुख्य द्वार का है। इस चित्र में द्वार की अनूठी आभा साफ झलक रही है। इसमें द्वार में लगी संगमरमर के पत्थर की चौखट और उसके साथ बने सुंदर स्तंभ नजर आ रहे हैं। प्रथम तल का निर्माण भी आकार लेते हुए नजर आ रहा है। ये चित्र राम भक्तों का मन मुदित करने वाला है। इस चित्र में राम मंदिर का गर्भगृह स्पष्ट नजर आ रहा है। यही रामलला की मूर्ति विराजमान होगी। चित्र में गर्भगृह की दीवार और स्तंभ दिख रहे हैं।
स्पष्ट हो रहा है, दीवारें पूरी तरह खड़ी हो चुकी हैं। ये चित्र राम मंदिर के प्रथम तल का है। इसमें क्रम से लगे स्तंभ नजर आ रहे हैं। स्तंभों पर हुई नक्काशी भी दिख रही है। साथ में इन स्तंभों पर खाली पैनल भी दिख रहे हैं, जहां विभिन्न प्रकार की मूर्तियां आदि की नक्काशी होगी। ये चित्र भी निर्माण की प्रगति को दर्शा रहा है। चित्र में स्तंभ और उन पर रखी बीम नजर आ रही है। ये दृश्य भी मन को आनंदित कर देने वाले हैं। मंदिर की छत के लिए बीम तैयार करने का कार्य छराराम सेवकपुरम और रामघाट स्थित कार्यशाला में हो रहा है। यह अपने आप में अद्भुत चित्र है। इस स्थल पर मंदिर के लिए पत्थर तराशे जा रहे हैं। यहाँ एक तीर कमान की आकृति बनी है। इस तीर के शीर्ष पर सूर्य की किरण का अद्भुत दृश्य इस चित्र में दिख रहा है। इस चित्र में राम मंदिर निर्माण में प्रयोग हो रही ईंट को दर्शाया गया है। मंदिर में तापमान कम करने के लिए लगाई गई विशेष ईंटों के साथ ये ईंट भी लग रही है। हर ईंट पर श्री राम 2023 लिखा गया है। ये चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। गर्भगृह के इस चित्र में राम ध्वज लहराता हुआ दिख रहा है। जिस स्थान पर रामलला विराजमान होंगे, उसी स्थान पर ये ध्वज लगा हुआ है। ये शुभ कार्य आगामी जनवरी माह में होने जा रहा है। इस चित्र में आकार लेते राम मंदिर का स्वरूप दिख रहा है। रामलला के दर्शन के लिए भक्तों को 32 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। इनमें से 24 सीढ़ियों के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। इस चित्र से स्तंभ भी नजर आ रहे हैं। इस चित्र में भी भूतल निर्माण का दृश्य है। इसमें पहले तल पर लगे स्तंभ और फर्श नजर आ रहा है। स्तंभों के संयोजन के लिए लगाई गई स्केफोल्डिंग और निर्माण की प्रक्रिया भी दर्शाई गई है। इस चित्र में मंदिर निर्माण का विहंगम दृश्य दिख रहा है। निर्माण के लिए लगी विशाल क्रेन आदि नजर आ रही है। पहले तल का निर्माण, उसमें लगे श्रमिक और निर्माण सामग्री आदि को ये चित्र दर्शा रहा है।